नमस्कार दोस्तों, तो रिसेंटली ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है फोन का नाम है Realme 12 Plus। बेस पीरियड लॉन्च हुआ है 20,000 पे, लेकिन इसके ऊपर आपको 1 से 2,000 रुपए का कार्ड ऑफर या फिर कूपन ऑफर मिलेगा। मतलब Realme 12 Plus का जो बेस पीरियड वो आपको इजीली मिल जाएगा 19,000 पे। और इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे इस स्मार्टफोन का प्रॉपर गेमिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, हीट टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट। मतलब ये सब करने के बाद इसमें टेम्परेचर या फिर बैटरी ड्रेन कितना होता है, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, इस स्मार्टफोन का प्राइस है 19,000 जैसे कि मैंने कह दिया। और ये जो स्मार्टफोन मैं पिछले 2 हफ्ते से यूज कर रहा, फोन का नाम है लाभा ब्लेज कार 5G। ये फोन भी आपको मिल जाएगा एक्जैक्टली 18,000 पे। तो इसीलिए कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपको ये दोनों फोन के अंदर स्पीड टेस्ट का कंपैरिजन देखना है कि नहीं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो हम शुरू करेंगे Antutu से लेके। तो देखिए बैटरी लाइफ अभी 100%। अभी हर एक Antutu को रन होने में एग्जैक्टली 15 मिनट लगता है, तो मैं लगातार 3 बार Antutu को रन करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि इसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो रहा है और जो परफॉर्मेंस उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है। तो अभी तो हम शुरू करते हैं इसका राउंड 1। तो अभी इसका राउंड 1 हो चुका है खत्म। बैटरी लाइफ देख सकते हैं बस 2% खत्म हुआ है, जो कि काफी बढ़िया है। और इसका Antutu स्कोर कितना है, 5,92,000 के आसपास। और पहले वाला Antutu स्कोर होने में लगभग 11 से 12 मिनट लगा। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, 38, 38, 37, 35, 37, 35, मतलब इस जगह में आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। तो अभी तो हम शुरू करेंगे इसका राउंड 2। तो अभी इसका राउंड 2 भी खत्म हो चुका है। Antutu स्कोर देख सकते हैं 5,92,000, मतलब Antutu स्कोर में राउंड 1 के मुकाबले ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। और अभी इसका बैटरी लाइफ देख सकते हैं 93%, मतलब 27 मिनट लगातार Antutu रन करने के बाद इसका बैटरी लाइफ खत्म हुआ है एग्जैक्टली 7%। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, 41.8, 41.6, 40, और पीछे 39, 40, 38, मतलब आगे पीछे दोनों साइड पे 40 से 41 डिग्री के बीच में टेम्परेचर। मतलब इसका जो टेम्परेचर एग्जैक्टली लाभा ब्लेज कार 5G के जैसा ही, मतलब टेम्परेचर के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो अभी तो हम शुरू करेंगे इसका आखिरी या फिर राउंड 3। और यहाँ पर Antutu का राउंड 3 होता है खत्म। एग्जैक्टली 40 मिनट लगातार Antutu रन हो रहा है। पहले तो हम देखेंगे बैटरी लाइफ। अभी इसका बैटरी लाइफ है 88%, मतलब लास्ट 40 मिनट में इसमें बैटरी कम हुआ है टोटल 12%। अगर हम स्कोर की बारे में बात करें तो लगातार 3 बार Antutu रन करने के बाद इसका जो स्कोर, मतलब जो 5,90,000 के आसपास, इस स्कोर से बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुआ है। मतलब इस फोन का जो स्टेबिलिटी, उसमें ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी कोई इशू नहीं है। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें, 43 डिग्री सेल्सियस, 42, 41, इस जगह पे ऑलमोस्ट 40, 41.5 और 39। तो देखिए इधर मुझे ये चीज डेफिनेटली कहना पड़ेगा, ये जो लाभा ब्लेज कर्व, इसमें भी हमें मिलेगा डायमेंसिटी 7050, लेकिन इसमें भी मैंने एग्जैक्टली सेम तरीके से Antutu लगातार मैंने रन किया था। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर था प्रोबेबली 41 से लेके 42 के आसपास, लेकिन इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 से लेके 43 के आसपास। मतलब कैसे देखिए, इस स्मार्टफोन का जो कूलिंग सिस्टम या फिर जो स्मार्टफोन के अंदर जो वेंटिलेशन होता है, वो प्रोबेबली ये जो Realme 12 Plus इसके मुकाबले स्लाइटली बेटर है। तो अभी तो हम इस फोन को ठंडा करेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे रन करना है CPU सॉल्टिंग टेस्ट। अच्छा, तो फोन अभी लगभग पूरा ठंडा हो चुका है, जरा दिखा देता हूँ, 34 डिग्री आसपास टेम्परेचर, मतलब ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो अभी तो हम शुरू करेंगे CPU सॉल्टिंग टेस्ट। इधर मैंने टेस्ट शुरू कर दिया है। अभी हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी ये दोनों ही फोन के अंदर है डायमेंसिटी 7050, लेकिन इसमें मुझे काफी बढ़िया चीज मिला था। जब मैंने इस स्मार्टफोन के अंदर ये जो CPU थॉल्थिंग टेस्ट किया था, तो इसका जो स्टेबिलिटी, उसका परसेंटेज था 95%, जो कि 20,000 रुपए के एक स्मार्टफोन की सबसे काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब ऐसा 90% के आसपास स्टेबिलिटी मैंने तो कोई फोन में नहीं देखा है। तो मुझे ये चीज देखना है, ये जो Realme 12 Plus, इसका जो स्टेबिलिटी एटलीस्ट 90 से 95% के आसपास है कि नहीं। तो हमारा CPU थॉल्थिंग टेस्ट इधर खत्म होता है। इस जगह पे स्टेबिलिटी देख सकते हैं 89%। इसका मतलब सेम प्राइस पॉइंट में जो डायमेंसिटी 7050 वाला जो लाभा कार 5G है, उसके मुकाबले इसका जो स्टेबिलिटी वो थोड़ा सा कम है। और ये चीज आपको ये जो कार इससे मालूम चल जाएगा। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, 40, 39, 37, 38, 38,
36, चाहे हम एंटूटू बेंचमार्क रन करें या फिर सीपीयू थ्रॉथलिंग टेस्ट रन करें, हम इसमें कोई भी बेंचमार्क रन करेंगे तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर वो 40 के आसपास चला जाएगा। और अगर हम इसके बैटरी लाइफ की बारे में बात करें जो कि 83% अभी मतलब 17% खत्म हुआ है, तो अभी तो हम शुरू करेंगे इसका प्रॉपर वाला गेम टेस्ट। और पहले हम देखेंगे सबका फेवरेट BGMI। तो BGMI पे इसका मैक्सिमम सेटिंग देख सकते जैसे बाकी डायमेंसिटी 7050 वाले फोन में होता है। इसमें आपको HD और अल्ट्रा इस सेटिंग में मैक्सिमम गेम प्ले करने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा फ्रेम रेट चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्मूथ पे, तो ये जो फ्रेम रेट वो हो जाएगा एक्सट्रीम पे। लेकिन मैं इधर एक गेम प्ले में आपको दिखाऊंगा HD और अल्ट्रा इस सेटिंग पे। This is a simulation game set in a virtual world. तो इधर BGMI का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है। पहले हम देखेंगे इसका टेम्परेचर 40, इधर है 38, 37, 38, 37, 36, मतलब BGMI खेलते हुए इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 के आसपास। और अगर मैं फ्रेम ड्रॉप की बारे में बात करूं, मुझे इसमें कोई भी हैंग लैग फ्रेम ड्रॉप ऐसा कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला। इस स्मार्टफोन में हमें जायरोस्कोप का कैसा सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और चीज, जैसे हमने देख लिया BGMI का जो गेम प्ले उस दौरान जो साउंड वो काफी बढ़िया है, जो लोग लाउड स्पीकर में खेलते हैं उन लोग को कोई भी इशू मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो इसका जायरोस्कोप सेंसिटिविटी देख सकते हैं, मुझे तो इसका जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी वो काफी बढ़िया लगा। मतलब जो लोग जायरोस्कोप को खेलते हैं, मतलब जिन लोगों को प्रैक्टिस है, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई भी इशू हो सकता है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट जरूर बताना कि इसका जो जायरोस्कोप क्वालिटी वो आपको कैसा लगा। देखिए, मैं अलग अलग जगह पे इसका जो माउस पॉइंटर मतलब जो स्क्रीन में उसे मूव कर रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। और इधर मैं ऑलरेडी लीजेंडरी लीग पे हूँ, तो अगर हम इसके भी गेम सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ग्राफिक्स क्वालिटी हाई और फ्रेम रेट वेरी हाई पे खेलने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा फ्रेम रेट चाहिए मतलब मैक्स चाहिए तो इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो हो जाएगा लो। ये चीज ध्यान में रखना। तो हम इधर एक गेम प्ले करेंगे हाई और वेरी हाई इस सेटिंग्स पे। तो इधर कॉल ऑफ ड्यूटी का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है। और इधर भी ऑब्वियसली कोई भी हैंग लैग का इशू मुझे देखने को नहीं मिला। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें 39, 38, 37 और पीछे 37, 37, 36, मतलब गेम प्ले खेलते हुए लगातार इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री के नीचे। और अगर हम इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें अभी आपको मिलेगा 76% बैटरी लाइफ। और कितने घंटे में? ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में इसका बैटरी लाइफ खत्म हुआ है 25% के आसपास। मतलब इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी बैटरी ड्रेनिंग का इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और BGMI के जैसा इसका भी हमने ऑडियो देख लिया, ऑडियो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद फाइनली हम ट्राई करेंगे फ्री फायर मैक्स। और अगर हम इसकी भी मैक्सिमम सेटिंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स मैक्स हाई रेजोल्यूशन को हाई कर दिया है, शेडो ऑन और इधर हाई FPS को भी मैंने हाई कर दिया है। तो अभी मैं इधर एक नॉर्मल वाला गेम प्ले शुरू करता हूं और इसका भी ऑडियो देख सकते हैं।
takedown. इधर फ्री फायर मैक्स का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है, मुझे इसमें भी कोई भी हैंग लैक ऐसा कोई भी फ्रेम ड्रॉप की इशू देखने को नहीं मिला। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार डेढ़ घंटा मैं गेम प्ले या फिर बेंच मार्किंग टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 41, 39, 38 और पीछे 39, 38 और 37, मतलब गेम प्ले करते हुए इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 के आसपास, जो कि मेरे ख्याल से डायमेंसिटी 7050 वाले फोन के हिसाब से ठीक ठाक है। और अगर हम इसके बैटरी रेंज की बारे में बात करें, और हाँ एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया था, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा सा भूल गया था तो मैंने फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ये जो हमने गेम प्ले देखा वो टोटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए हो रहा है। स्ट्रीमिंग के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहते मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू हो सकता है। और बैटरी लाइफ देख सकते हैं एग्जैक्टली 30% खत्म हुआ है डेढ़ घंटे में, तो मतलब उस हिसाब से 4.5 से 5 घंटे के आसपास लगातार गेम प्ले आपको करने को मिलेगा। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर मैं बस ये चीज कहना चाहूंगा, गेम प्ले के लिए अगर भी स्मार्टफोन को लेना चाहते मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो सबसे पॉपुलर गेम्स एटलीस्ट उसमें मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप हैंग लैग ऐसा कोई भी इशू नहीं मिला। और ये जो 41 या फिर 42 के आसपास टेम्परेचर हो रहा है इसके कारण परफॉर्मेंस में कोई भी ड्रॉप ऐसा भी मुझे देखने को नहीं मिला। तो अभी आप मुझे कुछ जरूर बताना कि इसका जो गेम प्ले या फिर जो परफॉर्मेंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसा लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।